नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। बात की जाए भोपाल में बड़ा आयोजन किया जा रहा है, अहिल्या भाई होलकर जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सिंह जी, बात करेंगे कितनी तादाद में कहां कहां से लोग पहुंच रहे हैं। हमारे प्रदेश के तमाम हस्तियां समाज की आ रही है और हमारे सिद्धार्थ रमैया जो हमारे समाज के गौरव में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पधार चुके हैं और ऑल इंडिया धनगर गायरी समाज के बैनर तले देवी अहिल्या की जयंती यहाँ भोपाल में राजधानी में ऐतिहासिक तौर पर मनाई जा रही है। हजारों की संख्या में हमारे समाज बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारा प्रयास है कि और भी लोग आ रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा इसको स्लो कर रहे हैं। धीमी गति से हमारा एक गंतव्य रविंद्र भवन तक जाएगा और देवी अहिल्या जयंती के उपलक्ष्य में सभी समाज बंधु एकत्रित हुए हैं और हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सामाजिक आधार पर, हमारी संख्या के आधार पर हमारे समाज के बंधुओं को दोनों दलों में, बीजेपी और कांग्रेस में, जो उचित माध्यम से चयन हो सके उनका चयन करें और हमारे समाज का नाम गौरवान्वित करें। आप भी हैं जिला पंचायत मेंबर, हमारे साथ हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, कितना बड़ा आयोजन किया जाएगा ये? आज हमारे साथी भाई सुभाष चौधरी के नेतृत्व में जो आज भोपाल राजा भोज की नगरी में, आज जो राजधानी भोपाल में कार्यक्रम रखा है, पहले तो सुभाष चौधरी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में अकेले आदमी ने पूरे समाज को इकट्ठा किया है। यहाँ पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री का भी आगमन हो चुका है और प्रदेश के सभी जिलों से हमारे देवास से शिवा पहलवान पूर्व पार्षद जगदीश जी धनगर, जिला पंचायत सदस्य मंदसौर से हमारे और भी पार्षद महोदय जब भी आ चुके हैं। अभी हमारा चल सामान निकलेगा, यहाँ से रविंद्र नगर पहुँचेगा, वहाँ अपना कार्यक्रम रहेगा। आपका नाम क्या है? सुरेश चौधरी, उज्जैन, जिला पंचायत सदस्य। आप क्या कहना चाहते हैं, बड़ा आयोजन किया जा रहा है, हुई है आज? ये बड़ा शुभ दिन लगता है, ऐसी खुशी की अद्भुति होती है कि जब धनगर समाज ने इतना भव्य कार्यक्रम भोपाल की राजधानी में रखा है तो धनगर समाज ये संदेश देना चाहता है कि दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं धनगर समाज की उपेक्षा करती है, उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं देती, तो उनके लिए और ये समाज के लिए बड़े गर्व का विषय है कि आने वाले दिनों में दोनों पार्टियां समाज को तवज्जो देगी और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जो भी समाज में ऐसे नेतृत्व करने वाले नेता है उनको समाज में नेतृत्व दिया जाएगा, पार्टी में मान सम्मान दिया जाएगा, पद दिया जाएगा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की जब घोषणा होगी तो उनमें टिकट धनगर समाज, गायरी समाज को टिकट दिया जाएगा और गायरी समाज एक साथ इकट्ठे होके विधायक बनाएंगी और विधायक दोनों पार्टियों को देगी। धन्यवाद। वही बात कही है कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल है लेकिन ये समाज भी किसी समाज से कम नहीं है, लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय। बड़ा आज सुबह यात्रा निकाली जा रही है, अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में दो पार्टियां किस किस को टिकट देती है और कितनी तादाद में टिकट मिलती है। रिपोर्ट भोपाल।